अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आरा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपके लिए इस ऊन से थालपोश डिजाइन बनाना बताऊंगी और ये ऊन भी लगेगा। तो उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। इसके लिए हमने ये 8 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये ऊल है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए ये देखिए, यहाँ पे एक नॉट लगाने के बाद यहाँ पे चैन लीजिएगा, देखिए 2, 3, 4 और ये 5 चैन लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। उसके बाद 3 चैन लीजिए और इसके इस हॉल में जो है 15 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, पंद्रह बार डबल क्रोशिया बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये 15 बार हम बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो 3 चैन लिए थे उसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके इसे स्टिच कर देंगे और इसे कट करके निकाल देंगे। तो देखिए अब हम इसे ये व्हाइट वाला लगाएंगे। इस तरह से और ये जो है इसमें डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। एक चैन लेंगे और फिर जितना सारा चैन है वो सारे चैन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चैन लेंगे और ये सारे चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरी राउंड बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक आ गए हैं। इसे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इसके ऊपर हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर ये जो हॉल है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। देखिए इसमें 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन लेंगे और इसके ऊपर 1 बार बनाएंगे और फिर इसके अंदर 2 बार। इसी तरह से करके ये पूरे राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर 1 बार और इसके हॉल में 2 बार, तो नीचे 2, उसके ऊपर 3, अब जो आएगा तो उसके ऊपर 4 बनेगा। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा ये रो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 3 चैन लेंगे और देखिए इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके ये जो हॉल है इसमें 2 बार बनाएंगे। इस तरह से
फिर आप दो चैन लेंगे। इस तरह से दो चैन लेके फिर इस हॉल में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस बार ये चार हो जाएगा। ये देखिए नीचे दो तीन अब चार, फिर दो चैन लेंगे, इसी तरह से ये रो कंप्लीट होगा। देखिए तो पूरी रो बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फिर हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर तीन चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बढ़ेगा पूरा, इसमें भी डबल क्रोशिया, एक दो तीन ये चार और ये पांच, पांच के बाद यहाँ एक और बनेगा, ये देखिए छह। तो इस तरह से ये बनेगा, फिर हम दो चैन लेंगे और इसके ऊपर बनाएंगे, एक दो तीन चार और इसके अंदर पांच और एक छह। ये देखिए इस तरह से पूरी रो कंप्लीट होगा और हम चार लाइन बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये दिखने में इस तरह से आएगा, ये पूरा चार लाइन हो गया है, एक दो तीन चार पांच हो गया है। देखिए फिर दो चैन लेंगे, देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और ये दस, यहाँ पे इस हॉल में तीन बार बनाना होगा। तो देखिए दिखने में किस तरह से आ रहा है, इस तरह से फिर ये रो कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसे छोड़ के इसमें डालिएगा, ये देखिए इसमें तीन बार डबल क्रोशिया बनेगा। तो देखिए यहाँ तक बन गया है, इसका अगला पार्ट जो किनारा बनेगा वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा, और इसे जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं इस फंदे को बढ़ा के, और राउंड यही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनेगा यहाँ पे,
देखिए ये आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ा सकते हैं, और ये कितना है ये कम भी कर सकते हैं और बेसी भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नीचे में ये आप 15 कीजिएगा तो ये आपका 16 आएगा। इस राउंड में 15 15 डबल क्रोशिया बनाइएगा।